चतुर्मास यज्ञ में कंबल वाले बाबा के आगमन की गलत तिथि से हुई परेशानी। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। जिले के राजपुर प्रखंड के पिपराड़ गांव में अचानक दक्षिण भारत से आए हुए दर्जनों श्रद्धालु को देख हर कोई हैरान हो गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर कर्नाटक से बक्सर पहुंचे श्रद्धालु ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर के द्वारा यह भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि यहां आयोजित चतुर्मास यज्ञ में 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक राजस्थान के कंबल वाले बाबा अपना चमत्कार दिखाएंगे और मात्र कंबल ओढ़कर लकवा ग्रस्त मरीज को ठीक कर देंगे। उस खबर को देखकर ही हम लोग भी अपने समस्या को लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक उनका कार्यक्रम आयोजित है। एक गलत जानकारी के कारण इतनी परेशानी उठानी पड़ी। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बक्सर के पिपराड़ में कंबल वाला बाबा दिखाएंगे अपना चमत्कार। जय श्रीमन्नारायण। ये सारे भक्त लोग कर्नाटका से आए हुए हैं और किसी यूट्यूबर ने फेक अपने आप में वीडियो बना दिया है कि 28 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का, जबकि कंबल वाले बाबा का कार्यक्रम जो है 28 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक है। इसलिए आप सब भारतवासियों से ही निवेदन है कि किसी फेक वीडियो पर आप सब ना ध्यान दें और आप सब 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक यहाँ कंबल बाबा आने वाले हैं, इसलिए उसी समय आप सब पधारें। जय श्रीमन्नारायण, जय सियाराम। और आप सब अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि फिर ऐसे लोग परेशान ना हों। ठीक है, आप भी कुछ बोलो उसमें। बाबा बोलो, कैसे आ गए बाबा? कर्नाटक के बीजापुर से आया हैं। अभी 2000 किलोमीटर लंबी से आया। अभी बहुत तकलीफ हो या क्या? गलत ये तारीख दिया, क्या करने का बाबा?